क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सेकंड के लिए पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या इससे दुनिया तबाह हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। इनके जवाब है हाँ, पर अगले कुछ अरब वर्षों में ऐसी घटने की संभावना 0 है। पर अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देती है तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि पृथ्वी धीरे धीरे कई वर्षों के दौरान घूमना बंद करती है तो महासागर पोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे और इक्वेटर के आसपास के महासागर पूरी तरह से सूख जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वातावरण अभी भी इक्वेटर पर पृथ्वी की मूल रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ मोशन में रहेगा। पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार अपनी एक्सिस पर घूमती है। यही वजह है कि हमारे पास 24 घंटे का दिन होता है जो लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि पृथ्वी लंबे समय के लिए घूमना बंद करती है तो एक दिन पूरे साल चलेगा और पृथ्वी पर हर जगह सूर्य के प्रकाश रहेगा। अंधेरे के बजाय हर महीने की लगातार धूप प्राप्त होगी। यह ग्रह को अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म कर देगा, अनुमान लगभग 100 से 212 डिग्री सेल्सियस, जो पृथ्वी पर जीवन का अंत होगा। अमेरिका के मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रेस टायसन ने इस बात पर अपनी राय दी है कि अगर पृथ्वी एक सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, इससे पैदा हो सकती भयानक स्थितियां। अमेरिका के एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रेस टायसन ने टीवी और रेडियो पर्सनैलिटी लैरी किंग से बात की और बताया कि अगर पृथ्वी एक सेकंड के लिए अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो हालात भयावह होंगे। टायसन ने बताया कि हम सभी पृथ्वी के साथ पूर्व की दिशा की तरफ घूम रहे हैं और अगर ये एक सेकंड के लिए रुक जाए तो भयानक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। टायसन ने बताया कि पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी एक्सिस पर घूम रही है और हम सब इसके साथ घूम रहे हैं। अगर ये एक सेकंड के लिए भी रुक जाए, अगर अचानक रुक जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कार एक्सीडेंट जैसे होंगे हालात, लोग अपनी खिड़कियों से उछलते हुए नीचे गिर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी भयावह होगा। टायसन के मुताबिक यह किसी कार एक्सीडेंट जैसा होगा। अगर बहुत तेजी गति से कोई कार जा रही है और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो कार में बैठे लोग अपनी सीटों से उछलकर दूर गिर जाएंगे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी। हालांकि टायसन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्लो डाउन हो जाता है या अपनी गति को कम कर लेता है तो किसी को नुकसान नहीं होगा। इस स्थिति में सिर्फ एक परिणाम सामने आएगा कि दिन हद से ज़्यादा लंबा हो सकता है। बता दें कि टायसन इससे पहले भी अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बेजोस की 200 मिलियन डॉलर संपत्ति से पृथ्वी का 180 बार चक्कर लगाया जा सकता है और इससे पृथ्वी और चांद पर 30 बार आया जाया जा सकता है। वह रिचर्ड ब्रिंसन की स्पेस यात्रा को लेकर भी ऐसे बयान दे चुके हैं। भाइयों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।